एक उच्च सुचित ईमानदार शख्सियत के मालक तीन दुखियां की सेवा करने वाले हरनाम सिंह संधू जो कि पिछले दिन ही अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर प्रभु चरणा विच आ भी रचे ने उन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब का भोग गुरुद्वारा सिंह सभा मलोट विखे पाया गया। संगतां उन्हां दी अंतिम अरदास च शामिल हुईयां। इस मौके रागी जथियां वल्लों विराकमय कीर्तन भी कीता गया। ऐसी का साथ।
उन्होंने जिन्ना वरसाई जाते हैं उन्ना ही रखते हैं उन्होंने पुत्र कहा जाता है। एक वो हालात जाती है जेडे मां बाप के किए हुए कारनामों भुल जाती है और उन्होंने घटाती है उन्होंने कपुत्र कहा जाता है। एक तरह के इंसान होंगे ने जिस तरह की अज अंतम अरदास पहुंचे आप कि जेडे अपने मां बाप के दिते हुए गुण उन्होंने दिखा हुई चंगाइया के चलते हुए अपनी जायदाद चाहे वह समाजिक सेवा के रूप में हो चाहे वह धार्मिक सेवा के रूप में हो या उन्होंने परिवार की जायदाद को बधाने वाली गल हो जिस तरह उन्होंने बधाया मैं निश्चित तौर पर कह सकता कि अज का यह बेमिसाल काठे दसदा है कि वह सुपुत्र हो निकले ने। एक माली का जो फर्क करनी हो उसका पता लगता है कि उसकी फुलवाड़ी किस तरह की है। इस खानदान के इन्होंने बरसाए हुए रस्ते में चलते हुए इन्होंने बजुर्ग दरविंदर जी मनजीत जी और साढ़े बहुत ही मेरे हरमन प्यारे दोस्त सरदार जगतार सिंह जी काला जिन्हों का मेरा भावों तो ज्यादा प्यार है इन्होंने वर्तद पता लगता है कि इन्होंने किस तरह की गुड़ती किस तरह का इन्हों का बचपन बीतिया होगा बजुर्गों ने किस तरह की इन्हों की इस प्रकार की रौ बनाई की होगी कि इन्होंने इन्नी विलखण शख्सियत जो गुण पैदा हुए हैं मैं समझना कि वह बजुर्गों की देन सी। मेरा कहने तो भाव है कि इस तरह दख्सियतं बड़िया घट पैदा होया कर जिन्होंने पाकिस्तान तो आके इतने बड़ी तरक्की की कला अपनी जायदाद ही नहीं बनाई उन्होंने अपने खानदान का नाम भी बड़ा उच्चा किया। अब सिर चुकता है उन्होंने अगे कि इस तरह दख्सियतं बहुत घट होया कर और अपनी पार्टी के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जेडे जरूरी चेलिया करके इतने नहीं पहुंच सके उन्होंने भी मैंने संदेश दिता सी कि मैं परिवार नाल जाके दुख साझा करा और अपने वालों और अपनी पार्टी वालों गुरु महाराज साहब के चरणों की अरदास करता है कि सच्चे पातशाह उस बिछड़ी आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शो पिछे परिवार को साख संबंधियों पाड़ा मन का बल और उन्होंने पाए हुए पुण्य के चलन की साडे वीरां नूं बरबुद्धि समर्था उदम ज्ञान बख्शिश करो। अंत में तुहाडा सरदार अजय सिंह जी सरपंच साहब साडे करनवाल दे सरदार दर्शन सिंह जी सरदार शोभा सिंह जी इन्हां तिन्नां भांडियां नूं अगवाई दे के इन्हां दी खेती भी चलाई और आप भी किरत की और उस किरत के जरिए बहुत मेहनत के नाल करनू वाले विच भी चंगी जमीन बनाई और अज कुत्तियां वाले दे विच भी इस परिवार का नाम है और नाल दी नाल श्रोमणी अकाली दल दे विच इन्होंने अपने भांजे सरदार अजय सिंह जी की वालडोर मरहूम सरदार साईंवाला साहब जी के हत्थां दे विच फड़ाई और अज इस सफलता दे नाल करनू वाले की सरपंची कर रहे हैं। सारे बहुत ही सत्कारयोग बजुर्ग सरदार हरनाम सिंह जी उन्होंने अंतम अरदास में शामिल होने लई सारे सज्जन मित्र दोस्त रिश्तेदार साख संबंधी इलाका वासी नगर वासी उन्होंने श्रद्धा जोर भेट करने सारे इतने एकत्र हो जितों तक सत्कारयोग सरदार हरनाम सिंह जी उन्हों का संबंध है बहुत ही मेरे अनुसार मिट खोले और चंगे सुभाव के मालक सन। जो भी उन्होंने मिलना करमू वाले उन्होंने आना या मैं शब्द मिलना बड़े ही प्यार नाल बड़े ही सरकार नाल उन्होंने मिलना बड़े चंकी नेचर के मालक सन। उन्होंने कोई कोई तकलीफ नहीं थी उन्होंने और भी नहीं कह सकती देनी थी पर अचानक जो ये भाड़ा वरत्या अटैक का उसके उन्होंने